बहुत बढ़िया, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर। आगे का कंसेप्ट पोक श्री रमेश कटके सर का है, जो आज के 8 अगस्त के बारे में जो बाबा साहब के जीवन से संबंधित है बताएंगे। कटके सर, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि, संगम नमामि। आज का कंसेप्ट का जो ये है, मैं हम वी द पीपल समन संघ, जिसको नेता मानता है, लीडर मानता है, उस भारत के संविधान के प्रावधान के बारे में, खासकर अभी 15 अगस्त आ रहा है तो देश प्रेम का बहुत उछाल आ रहा है कुछ लोगों के मन में, और जिन्होंने कभी ये फ्लैग, नेशनल फ्लैग कभी लहराया नहीं था, कभी होइस्ट नहीं किया था, उन लोगों को बहुत जल्दी हो गई है कि वो अपना देश प्रेम बताए। तो ऐसे लोगों का देश प्रेम ये ऊपरी ऊपरी होता है, लेकिन सही और सच्चे देश प्रेमी कौन होते हैं, इसके बारे में बाबा साहब ने क्या कहा है। और इसीलिए बाबा साहब ने भारत का संविधान और उसका सरनामा जो है, प्रीएम्बल है, प्रास्ताविका है, लिखी है, उसकी एक फिलॉसफी है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, जो कि वी द पीपल समन संघ का मेन मैंडेट है, मुख्य काम है। और उससे पहले आज के दिन बाबा साहब के जो आंदोलन हुए थे उसमें बाबा साहब ने क्या क्या किया था। 1926 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बाबा साहब के पार्टी के एक राव साहब बहादुर सी के बोले करके एक मेंबर, लेजिस्लेटिव मेंबर थे मुंबई बोर्ड के, तो उनकी ओर से बाबा साहब ने आज के दिन 8 अगस्त 1926 को एक प्रस्ताव पारित कराया था। वो प्रस्ताव पारित करके बाबा साहब ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं अपना सामाजिक आंदोलन शुरू करने से पहले लोगों को कैसे चेताऊं, लोगों की मानसिकता को कैसे दुरुस्त करूं। इसलिए 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसमें कुछ सवर्ण लोग भी थे और कुछ लोग एससी एसटी के लोग भी बाबा साहब ने लिए थे। और उसके बाद 1927 में जो 20 मार्च को बाबा साहब ने महाड़ का आंदोलन जो चलाया, पानी का आंदोलन, जिसको कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ कंपेयर किया जाता है, ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा आंदोलन वो भारत, स्वतंत्र भारत में था। तो उस आंदोलन की शुरुआत बाबा साहब स्ट्रेटेजिकली कैसे करते थे, कैसी उसकी नीतियां बना लेते थे और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक दो साल पहले वो स्ट्रेटेजी बना लेते थे। तो आज के दिन सी के राव साहब, सी के बोले की तरफ से उन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में ये एक प्रस्ताव पारित कर लिया कि अछूत लोग जो भी है, चाहे मनुस्मृति में कुछ भी लिखा हो, लेकिन हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन है और अंग्रेज कानून बनाते हैं, इसलिए बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया कि अछूत लोगों को सार्वजनिक तालाब, टैंक्स या कुआ या नदी या ऐसे जो पानी पीने का अधिकार मिलेगा, और जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ऐसे सार्वजनिक जगहों पर उनको घूमने का, इधर उधर जाने का, बसों में, रेलवे में जाने का अधिकार मिलेगा, ऐसा प्रस्ताव बाबा साहब ने पारित किया। और फिर 1927 में 19 और 20 मार्च को महाड़ का सत्याग्रह का बाबा साहब ने प्लान किया। इसका मतलब ये तय था कि बाबा साहब कोई भी चीज करते थे तो उससे पहले कानूनन चीज पहले अपने हाथ में सुरक्षित कर लेते थे, क्योंकि उनको पता था अगर मैं ये आंदोलन शुरू कर दूं तो मनुस्मृति सामाजिक तौर पर, और जो जो कि वो हिंदू धर्म का एक कानूनी दस्तावेज था, इसीलिए उस वजह से हो सकता है सवर्ण हिंदू लोग हमारे खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे और हमारा आंदोलन फिर निष्प्रभ हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने कानूनन पहले पूर्व तैयारी की, उसके बाद वो स्ट्रेटेजी बनाकर फिर लोगों की मानसिकता को जागरूक करने का आंदोलन शुरू किया। ये एक बात आज के दिन हुई थी 1926 में। दूसरी बात, नागपुर में बाबा साहब ने 1930 में 8 अगस्त 1930 को एक बहिष्कृत वर्ग की एक सभा लगाई थी, उसमें एक
प्लान ऐसा किया गया था कि हम लोग जितने भी अछूत जातियां है, करीब करीब शेड्यूल कास्ट में 1000 जातियां आती है और ट्राइबल में करीब करीब 750 जातियां आती है, तो इन लोगों की परिषद लेकर बाबा साहब ने एक रेजोल्यूशन पारित कर लिया था कि कम से कम हम अछूत लोग तो भी विद पीपल बने। इसका मतलब हम लोग एक दूसरे के बीच में जातियों का जो आचरण है वो करना बंद कर दे और हम लोग एक दूसरे के बीच में सामाजिक संबंध बनाए। तो उसमें दो भाग बनाए थे, एक तो हम लोग एक जातिया दूसरी जातियों के साथ सामाजिक त्योहार मनाए, एक दूसरे के साथ खाने का प्रोग्राम आयोजित करे और एक दूसरे के बच्चों के साथ बच्चों के बीच में शादी ब्याह के संबंध बनाए। ऐसे तीन प्रस्ताव बाबा साहब ने 8 अगस्त 1930 की एक नागपुर की कामठी जो नागपुर में है कैंटोनमेंट है मिलिट्री का उस वहां के ग्राउंड पे एक सभा लेकर ये प्रस्ताव पारित किया था। और दूसरी बात बाबा साहब ने की थी कि आपकी आर्थिक आपके आर्थिक सुधार के लिए आपने क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उस वक्त कहा कि आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट होनी चाहिए, सहकारिता आंदोलन आप लोगों ने चलाना चाहिए। जैसे बाबा साहब उस वक्त कहते थे कि आप लोग मिल मजदूर हो तो मिलों में जाने के लिए आपको यूनिफॉर्म लगता है, आप क्या पहनते हो, तो क्यों ना आप लोग आपका जो यूनिफॉर्म है आपकी एक कोई सहकारी संस्था बनाए और मिल मालिक से रिक्वेस्ट करके 5000-10000 करीब करीब 7 लाख लोग मिलों में मजदूरी का काम करते थे। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर 2-3 लाख लोगों को आप यूनिफॉर्म भी सप्लाई करते हो तो उससे आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट अच्छी चलेगी। दूसरी बात उन्होंने सहकारिता आंदोलन बढ़ाने के लिए ये कही थी कि आप जो खाना खाते हो किराना लेकर आते हो तो क्यों ना आप एक कंज्यूमर स्टोर्स इस्टेब्लिश कर ले, रजिस्टर कर ले और अपने समाज को जितनी जरूरत लगेगी अनाज की, चाहे गेहूं हो आटा हो या कोई भी अनाज हो, उसकी आप सहकारी मूवमेंट बनाकर अपने ही कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स में से आप अपने समाज के लिए ये खाना ये अनाज खरीद कर लो जिससे कि वो प्रॉफिट आएगा और उससे आपकी आर्थिक स्थिति दुरुस्त हो जाएगी। ये दूसरा काम बाबा साहब ने आज के दिन कहा था। तीसरी बात वर्धा में एक कांग्रेस के प्रस्ताव को विरोध करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कहा था कि अंग्रेजों से जो स्वतंत्रता हमको मिलनी चाहिए वो केवल सवर्ण लोगों को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि जितने भी सवर्ण लोग हैं और जितने भी टैक्स पेयर्स है उन्हीं लोगों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, वोट फ्रेंचाइज मिलना चाहिए और अछूत लोग और सारी महिलाओं को ये नहीं मिलना चाहिए, ऐसी पॉलिसी कांग्रेस ने बनाई थी। लेकिन ये पॉलिसी को विरोध करने के लिए और अंग्रेजों को सचेत करने के लिए बाबा साहब ने इस परिषद में वर्धा के ऐसे डिसाइड किया था कि हम भी इंसान हैं, हमको भी लॉजिकल माइंड पावर है, चाहे हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन वो इतना तो जानते हैं कि किसको चुनना है और किसको लड़ाना है, ये अधिकार हम लोगों को और भारत के सभी महिलाओं को मिलने चाहिए। तीसरी बात और चौथी बात बाबा साहब ने 1942 में 8 अगस्त को ये कही थी कि कांग्रेस ने जो चले जाओ आंदोलन चलाया था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसके लिए बाबा साहब ने उसका विरोध किया था। तो क्विट इंडिया क्यों कांग्रेस करना चाहती है, क्योंकि ब्रिटिश का जाने का समय अभी नजदीक आ गया, दूसरा महायुद्ध चल रहा था और हिटलर अंग्रेजों के सारे इंग्लैंड के ऊपर बहुत सारी बमबारी कर रहा था और अंग्रेज लोग अपने बैकफुट पर आए थे, क्योंकि हिटलर ने उस वक्त करीब 42 तक 1939 से तो 1942 तक हिटलर का बोलबाला चल रहा था, बाद में जाके 1944 के बाद हिटलर फिर पीछे पिछाड़ हो गई हिटलर की। तो अंग्रेज लोग इस फिराक में थे कि जितने भी राज्यों के ऊपर राष्ट्रों के ऊपर हमारी सत्ता है क्यों ना हम वो छोड़ दे, उसके बदले में उनका सपोर्ट ले ले मिलिट्री में। तो 1942 में मिलिट्री के लिए भर्ती का आंदोलन चलाया था। तो बाबा साहब को ये पता चला था कि हमारे लोगों को रोजगार नहीं है, तो बाबा साहब ने महार बटालियन की फिर से शुरुआत की, जो कि बाबा साहब के पिताजी के वक्त महार बटालियन बंद करवा दी गई थी अंग्रेजों के कहने से
और खासकर तिलक के कहने से। तिलक ने ये कहकर महार लोगों का मिलिट्री में जाना बंद करा दिया था कि क्योंकि हमको सामाजिक दृष्टि से मिलिट्री में अच्छे ढंग से इधर उधर घूमते नहीं आता है क्योंकि अछूत लोगों के साथ हमारा स्पर्श हो जाता है। तो अंग्रेजों ने भली भांति ये बात जान ली और 1942 में बाबा साहब ने करीब 1.5 लाख लोगों को, अछूत लोगों को, एससी लोगों को और एसटी लोगों को मिलिट्री में भर्ती कराया और अफगानिस्तान की बॉर्डर को और कुछ तो यूरोप की और कुछ इंग्लैंड की बॉर्डर के ऊपर भी यहां से महार सैनिक और कुछ चमार महार उस वक्त की जितनी भी जातियां थी जो शेड्यूल कास्ट में आती थी उनकी भर्ती करवाई। इससे दो हेतु सिद्ध करने थे बाबा साहब को। एक तो जब भी जब कभी दो चार पांच छह सात साल में अंग्रेज लोग इस देश को छोड़ जाएंगे उस वक्त चूंकि हमने उनको युद्ध में मदद की है इसीलिए हमको वो सत्ता में भागीदारी देंगे, ये एक उनका कहना था। और दूसरी बात, हमारे समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए इसीलिए मिलिट्री में जाने के बाद लोग कुछ पैसा कमाएंगे और उससे बलबूते पर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और वो अपने लड़कों को, लड़कों और लड़कियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। ये बाबा साहब के हेतु ऐसे 3-4 प्रोग्राम में थे, इसीलिए आज का दिन हिस्टोरिकली बाबा साहब के आंदोलन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात, बाबा साहब ने क्या कही? तो बाबा साहब को ये पता चल गया था 1942 से कि अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर जाना है, तो बाबा साहब काम पे लग गए और चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और ये यूएसए यानी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये जो प्रगत राष्ट्र उस जमाने के थे उस राष्ट्रों में किस प्रकार की सरकारें चल रही है इसका बाबा साहब गहराई से अभ्यास कर रहे थे। तो बाबा साहब ने फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम और दूसरी 2-4 किताबें लिखी थी और रानडे गांधीयान जीना ये भी किताब लिखी थी जिसमें कि बाबा साहब ने अंग्रेजों को और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताया था कि कांग्रेस और गांधी हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स हड़पना चाहते हैं, हमको वो आजादी नहीं देना चाहते और अगर अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो फिर ये काले अंग्रेज यहाँ पर आ जाएंगे, इसीलिए हमारा क्या स्पेस होगा यहाँ के पॉलिटिकल पावर में, ह्यूमन राइट्स में, और हम तो संख्या में इतने सारे हैं। इसीलिए बाबा साहब ने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का अभ्यास शुरू किया और आंदोलन उस दिशा में ले जाने की स्ट्रेटेजी बनाई। तो उसी का निचोड़ जो 4-5 साल के बाद जो बना वो भारत का संविधान है। तो इसके बीच जो है बाबा साहब के 1940, 43, 44, 46 तक आते हैं और बाबा साहब ने 15 मार्च 1946 को एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ लिखा था स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। उसमें बाबा साहब के मूलभूत 2-4 मोटी मोटी बातें बाबा साहब ने कही थी। एक तो बाबा साहब ने कहा था कि सभी अछूतों को, एससी एसटी को और ओबीसी को वोट फ्रेंचाइज मिलनी चाहिए, मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और उनको इलेक्शन में खड़े रहने की भी सुविधा मिलनी चाहिए। एक दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि सारी महिलाओं को, जितने भी पुरुषों को अधिकार है वो सारे ह्यूमन राइट्स के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल अधिकार मिले और ऐसा संविधान बनाया जाए। तो इसीलिए संविधान को, जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसके 2-3 महत्वपूर्ण सुझाव बाबा साहब ने दिए थे। एक इम्पोर्टेंट ये प्रोविजन था कि देश की जितनी भी जमीन है वो जमीन राष्ट्र के मिल्कियत की होनी चाहिए, उसकी ओनरशिप राष्ट्र की होनी चाहिए और जो ताकत से वो जमीन को बो सकता है, जमीन की सिंचाई कर सकता है, जमीन की मशागत कर सकता है उसी को अलोकेशन होना चाहिए और जमीन का एक हिस्सा 4 एकड़ 5 एकड़ जितनी भी फैमिली है उसके फैमिली का जितना भी आकार होगा और उसकी जितनी कैपेसिटी है जमीन को, जमीन की कल्टीवेशन करने की, उसके हिसाब से उसको जमीन 20 साल के लिए दे दी जाए और उससे मिनिमम सेट सारा लिया जाए, खेती का टैक्स लिया जाए और उसको 1% या 0% से पीक के लिए या सिंचाई के लिए उसको लोन भी मुहैया कराया जाए, ऐसा प्रोविजन स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में बाबा साहब ने रखा था। दूसरा एक रखा था कि जितने भी सार्वजनिक उद्योग होंगे वो सारे सार्वजनिक उद्योग सरकार के ओनरशिप में आने चाहिए, उसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, क्योंकि वो ये सोचते थे कि जितने भी
सरकार के उद्योग होंगे उसमें फिर रिजर्वेशन हम लोग आसानी से पा लेंगे। तो 1945 में जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो तैयार हुआ, तो 10 दिसंबर 1945 को यूनो की स्थापना हुई। तो उस वक्त बाबा साहब ने, तब तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू भी नहीं हुआ था, तो बाबा साहब ने एक अमेरिकन निग्रो लीडर थे ईडब्ल्यू डू बॉइस, उनके साथ पत्र व्यवहार किया और दोनों ने मिला के, जो कि अफर्मेटिव एक्शन से यूनाइटेड नेशन में निग्रो लोगों को जो सर्विसेज में और पॉलिटिकल जो आरक्षण मिल रहा था, तो ऐसा ही अफर्मेटिव एक्शन भारत के अछूतों को और मागास वर्गीय ओबीसी लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए यूनाइटेड नेशन में बाबा साहब ने प्रस्ताव रखा था ईडब्ल्यूडी वाइस के मार्फत। और उसका पूरा ब्यौरा जो है उसका ड्राफ्ट बाबा साहब ने बना कर दिया था, उन दोनों ने मिलके वो व्यवस्था की थी, क्योंकि वो दो तरह से सोच रहे थे कि अगर हमारा संविधान होते वक्त, मैं तो अकेला ही हूं क्योंकि मेरी पार्टी का दूसरा तो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही नहीं, तो ऐसे में क्या किया जाए, मैं अकेला तो बहुमत में लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये तो संख्या में हमसे कहीं ज्यादा है। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा था कि अफर्मेटिव एक्शन के हिसाब से ये गवर्नमेंट ऑफ जो यूनाइटेड नेशन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाध्य करे और उसकी वजह से भारत के अछूतों को, ओबीसी लोगों को आरक्षण मिले नौकरियों में और खेती करने के लिए, और उनको खेती का भी आवंटन हो जाए, ऐसी सुविधा बाबा साहब ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में की थी। तीसरा प्रावधान बाबा साहब ने किया था कि ये जो LIC ऑफ इंडिया या फिर ये जो नौकरी का कमीशन जो बनाया था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये खुद बाबा साहब ने, लेबर मेंबर थे तब, खुद ही बनाए थे बाबा साहब ने। LIC की स्थापना बाबा साहब ने की है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना बाबा साहब ने की है, GPF का जो हमको फंड मिलता है इसका इस्टेब्लिशमेंट बाबा साहब का है, पे कमीशन बाबा साहब ने किया था, महिलाओं के लिए जो सुविधा दी जाती थी मैटरनिटी लीव, इसका भी करीब करीब 49 एक्ट बाबा साहब ने खुद के बलबूते पे इंटरिम गवर्नमेंट में पारित करा लिए थे। और जब 1945 में बाबा साहब इंग्लैंड के एक कॉलेज में एक चीफ गेस्ट करके कॉन्वोकेशन के लिए गए थे, उस वक्त बाबा साहब ने अंग्रेज सरकार को यह बताया था, जितनी सुविधा गरीब लोगों को और अछूत लोगों को आप नहीं देते हो, आपके आपके देश के जितने भी गरीबों को आप जितनी सुविधा नहीं देते हो, उससे ज्यादा सुविधा हम लोग इंडिया में अछूत लोगों को दे रहे हैं और ये इतने सारे कानून मैंने बना लिए हैं। तो वो अंग्रेज लोग भी हैरान हो गए कि एक अम्बेडकर ऐसा कैसे कर सकता है। तो इसका मतलब है बाबा साहब को हरदम चिंता हुआ करती थी कि मैं मेरे समाज के लोगों की उन्नति के लिए और उनकी प्रोग्रेस के लिए, खासकर मेंटल स्टेटस के लिए कैसे दुरुस्त करूं, कैसे उनकी प्रगति करूं, यही सोच उनके बीच में रहती थी। तो यही शब्द बाद में जाकर के जब भारत का संविधान बना और खासकर प्रियम्बल बना, उसका आशय कैसा बनाया बाबा साहब ने, उसकी शब्द रचना कैसी की और उसकी स्ट्रेटेजी करके, वो शब्दों की रचना करके विद द पीपल ऑफ इंडिया से भारत के संविधान के प्रियम्बल की शुरुआत कैसे की, इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है, उसमें से मैं संक्षिप्त में ले लूंगा। जब हमको ये पता है कि 26 नवंबर 1949 को ये हमारा संविधान फॉर्म में हो गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया, तो उसके लिए जब लोगों ने 25 नवंबर 1949 को जितने भी लोगों ने भाषण दिए, सभी ने बाबा साहब की तारीफ की, लेकिन बाबा साहब ने 25 नवंबर के संविधान सभा को जो एड्रेस किया था, जो भाषण दिया था, उसमें सभी लोगों का धन्यवाद तो दिया लेकिन उसकी हिस्ट्री भी बताई। और खासकर बाबा साहब ने जिक्र किया 17 दिसंबर 1946 को जब भारत का संविधान सभा का पहला अधिवेशन बुलाया गया था, उस वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के हर इंसान को समता, स्वतंत्रता और बंधुता, इन तीन तत्वों के ऊपर हमारी डेमोक्रेसी बनानी चाहिए, अगर हम ऐसे नहीं बनते हैं तो हमारा देश इकट्ठा नहीं रह सकता, क्योंकि 1946 में हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत बड़े दंगे चल रहे थे, आप लोग सभी जानते हैं। तो ऐसे में सभी लोगों को इकट्ठा लाकर इस देश के संविधान का निर्माण कैसे किया जाए, इसीलिए विद पीपल ऑफ इंडिया का प्रावधान बाबा साहब ने किया। तो उसमें से कुछ लोग जो है, जब बाबा साहब ने किया ये प्रावधान किया था, तो तब उसमें से कुछ लोगों ने ये कहा, करीब करीब उस वक्त के
करीब 45 या 65 वर्ड्स थे उसमें, लेकिन बाबा साहब ने भारत के संविधान जो है 85 वर्ड्स में बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, टोटल अंग्रेजी में 85 वर्ड्स का ये विद भारत का प्रियम्बल है, संविधान का प्रियम्बल है। तो उसमें बाबा साहब कहते हैं कि इसमें से जो 60 शब्द है, 60 शब्द है, ये जो शब्द है भारत के संविधान का प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी बताता है, और एक इसको एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन देश के सामने, दुनिया के सामने रखता है। ये एक भाग है। और दूसरा भाग है कि उसकी उसका प्रोविजन करके उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा किया जाए, ऐसा एक दूसरा भाग है। तो इस भाग के बारे में बाबा साहब ने इसकी कुछ फिलॉसफी बताई है। तो बाबा साहब कहते हैं, बाद में जाके एक अंग्रेज फिलोसोफर था प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसमें बाबा साहब की इतनी भरजोर तारीफ की और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बनाने वाला है जो इंसान है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है। तो ये मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया, इसमें वॉल्यूम 2 में भाग 3 में 160 पेज पर बाबा साहब के स्पीचेस के इस पे इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। तो 17 अक्टूबर 1949 को जब संविधान लिखकर हुआ तो पहला वाचन हुआ, जैसे संविधान बन गया जो ड्राफ्टिंग कमिटी ने बनाया, तो 3 बार संविधान पढ़ा। पढ़ने के बाद एक एक सेंटेंस पढ़ा जाता था, एक एक आर्टिकल पढ़ा जाता था, आर्टिकल पढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता था, फिर सारे लोग बोलते थे कि इसके ऊपर ये, इसके जगह पर ये कर दो, उसके जगह पर वो कर दो, फिर बाद में बाबा साहब आखिर में भाषण देते थे और जैसा बाबा साहब कहते थे वैसा ही संविधान में प्रोविजन फाइनल किया जाता था। ये तीनों बार जब संविधान को पढ़ाया गया, रीड किया गया, तीनों वक्त ऐसा ही हुआ। तो एक मेंबर ने ऐसा कहा कि इसमें जो है वो गॉड के नाम से भारत के संविधान की शुरुआत की जाए, वी द पीपल के बजाय हम लोग, वी द पीपल के बजाय हम लोग गॉड के नाम से भारत के संविधान की शुरुआत करें। उसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये कहा है कि ईश्वर के नाम से इसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि इस देश में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा हिंदू है। मौलाना हसरत मोहानी ने ये कहा कि अल्लाह के नाम से किया जाए। लेकिन जब बाबा साहब खड़े हुए भाषण देने के लिए तो बाबा साहब ने कहा कि दिस इज अ नैरो सेक्टेरियन स्पिरिट, ये आपकी मानसिकता बताती है कि आप कितने निकम्मे दिमाग के लोग हो, आप इतना तक नहीं सोचते हो कि इस देश में अनेकों प्रकार के धर्म है, अनेकों जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, और अगर संविधान बनाना है तो किसी एक धर्म के नाम से अगर शुरुआत करते हो तो तुरंत दूसरे धर्म के लोग उसको पहले दिन से विरोध करना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि हम लोग इसकी शुरुआत विद पीपल ऑफ इंडिया से शुरू करेंगे। और फिर उसके ऊपर वोटिंग हुआ। बाबा साहब का भाषण इतना प्रभावशाली था कि जितने जो लोग गॉड के, ईश्वर के, देव के, अल्लाह के नाम से कहने वाले थे, उस वक्त जो हाउस में करीब करीब 110 के करीब लोग मेंबर हाजिर थे, उन्होंने वोट किया। तो उसमें भगवान के नाम से या गॉड, ईश्वर, अल्लाह के नाम को 41 वोट मिले और विद पीपल को 68 वोट मिले। तो बाबा साहब ने उस वक्त कहा था कि भगवान हार गया, ईश्वर गॉड पराभूत हुआ है और विद पीपल जीता है। तो ये बाबा साहब की फिलॉसफी थी विद पीपल की। तो बाबा साहब क्या कहे उस वक्त कि इन द नेम ऑफ गॉड अलमाइटी अंडर हुज इंस्पिरेशन गाइडेंस द फादर ऑफ आवर नेशन। तो और एक कांग्रेस के लीडर ने कहा था कि महात्मा गांधी जी के नाम से शुरुआत की जाए क्योंकि वो हमारे लीड करने वाले हैं। तो बाबा साहब ने इन सब का उत्तर बड़े ढंग से दिया। और एक सिब्बनलाल सक्सेना है, उन्होंने तो ये कहा कि गॉड के नाम से शुरू करो और राष्ट्रपति को गॉड का नाम लेना कंपलसरी करा दो। तो इन सब के ऊपर बाबा साहब ने फिर बोला कि संविधान के मूल सिद्धांत क्या होंगे। तो बाबा साहब कहते कि विद पीपल ऑफ इंडिया Having resolved to constitute India a secular, cooperative, commonwealth, established socialist order to secure to all its citizens. तो ये इसमें से कुछ words को बाबा साहब ने चेंज कर दिया और फिर with the people of India solemnly resolved to constitute ये शब्द डाल दिए। तो इसके पीछे की बाबा साहब ने फिलोसॉफी बताई, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं
कि सबसे पहले राज्य घटना जो है, जो संविधान है, उसका मूल मुद्दे उद्देश्य है एक तरह की सोशल सिस्टम इस देश में बनी जाए और हर सिटीजन को पूरा लाइफ जीने का कंप्लीट अधिकार मिले और उसको मुफ्त शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, और उसको फ्री में वैद्यकीय सुविधा उपचार मिले, और हर जो नागरिक है, जो भी फिजिकली फिट है, उसको सैनिकी प्रशिक्षण मिले और उसका जो इंडिविजुअल राइट है वो प्रोटेक्ट हो और उसकी बंधुता और समता और स्वतंत्रता कायम रहे, ऐसा प्रोविजन हमारे संविधान में होना चाहिए। यह सबसे पहली बात है। दूसरी बात बाबा साहब ने कही, क्यों संविधान में वी द पीपल से शुरुआत होनी चाहिए। वो कहते फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अगर हम देते हैं तो सभी लोगों को एजुकेशन देना पड़ेगा, और जब राष्ट्र एजुकेशन देगा तो गरीब अमीर, किसी हिंदू मुस्लिम अछूत, ये हिसाब नहीं लाएगा। तो भारत का सिटीजन, इस हिसाब से वो हर सिटीजन को, हर बच्चे को काउंट कर। उसके बाद फ्री मेडिकल एड इसीलिए बोल रहे थे वो, क्योंकि उस वक्त जो बाबा साहब कहते थे कि भारत का जो औसतन आयुमान था वो 1947 में 32 आयुमान था सिर्फ। तो बाबा साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ जब भी ऑन एन एवरेज जो भी आदमी पैदा होता है, और 32 एज आने जवानी की एज होती है, जब उसको राष्ट्र का निर्माण करने के लिए उसकी जरूरत राष्ट्र को होती है, उसी उम्र में ऑन एन एवरेज वो मर जाता है, इसलिए उसको फ्री मेडिकल एड देनी चाहिए। और ये प्रोविजन बाबा साहब ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला और प्रीएम्बल में उसको बेस बनाया। उसके बाद कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग का भी प्रोविजन किया था। बाद में जाके उच्च वर्णीय लोगों ने इसको विरोध किया। देखिए, उच्च वर्णीय लोग बताते तो है कि हम लोग अभी 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग करेंगे, घर घर तिरंगा फहराएंगे, लेकिन उस वक्त जब बात आई कि हर फैमिली का एक बच्चा मिलिट्री में कंपलसरी जाए, तो उसके लिए सवर्णों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इन्होंने ही विरोध किया। हालांकि बाबा साहब ने तो 1.5 लाख लोगों को पहले ही मिलिट्री में भर्ती किया था। तो इसका मतलब है कि ये लोग अपने हित की ही बात कहते थे, इसीलिए बाबा साहब ने इन सभी के जितने भी मुद्दे थे उन सभी के मुद्दों को क्रैश और सेटिसफाइड कर दिया। तो इसीलिए सरनामे का स्वरूप क्या हुआ फिर, तो बाबा साहब ने तीन प्रकार से बताया कि संविधान का जो प्रीएम्बल है उसमें तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो है जाहिरनामा या घोषणा पत्र, दूसरा है उसका उद्देश्य अथवा अनिवार्यता, और तीसरा है उसका वर्णनात्मक भाग क्या होगा। तो फिर वो कहते हैं कि हम भारत के लोग, हम ये संविधान शुरू करते हैं, उसका पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेटरी पार्ट था कि भारत एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएगा, ये कंपलसरी पार्ट होगा। और वो इसीलिए बोलते हैं कि हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवेरिन सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बाबा साहब ने कहने के बाद वो किसी भी सदस्य ने फिर बाबा साहब के किसी भी मुद्दे को क्रॉस नहीं किया, और ये फाइनल में अंतिमता वी द पीपल जो हम प्रीएम्बल आज पढ़ते हैं उसका फाइनलाइजेशन हो गया। तो इसीलिए फिर बाबा साहब कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कहते हैं कि हर नागरिक को, हर सिटीजन को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, उसको विचार करने की स्वतंत्रता मिले, उसकी अभिव्यक्ति को इधर उधर जाने की, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता मिले, और वो हर सिटीजन के ऊपर विश्वास रखे, उसकी देश के ऊपर देश प्रेम होने की वजह से देश के ऊपर उसकी श्रद्धा हो, और वो अपना जो धर्म है, अपना जो नीति नियम है, उसकी उपासना ठीक ढंग से कर सके। और इसीलिए उसको दर्जे की संधि की समानता, मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस भी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें बाबा साहब ने कही। तो इसका मतलब बाबा साहब कहते कि टू सिक्योर ऑल इट सिटीजन फॉर व्हाट दे हैव टू सिक्योर फॉर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, किस लिए, तो थॉट की लिबर्टी और एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी और फेथ और वर्शिप की इक्वालिटी, तो ये स्टेटस और अपॉर्चुनिटी के लिए भी इक्वालिटी आए, इसीलिए फिर ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बनाया जाए। उसमें सिर्फ एक सॉलिडेरिटी शब्द रह गया था जो कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट में बाद में ऐड किया गया, जो कि उस वक्त के लोगों ने सॉलिडेरिटी इसीलिए नहीं स्वीकार किया था कि एकता तभी आई नहीं थी, एकता तो हमको भविष्य में लानी थी। आज भी हम लोग सॉलिडेरिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज तक हमने
भारत के संविधान के 70 साल के बाद भी सॉलिडरिटी या एकता हमने प्रस्तापित नहीं की है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि इसमें से हर्डल क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं कि भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए बाधा है। तो वो कहते हैं कि 6,743 जातियों के लोग अपने एक जातियों को एक राष्ट्र मानते हैं। तो अगर ये ऐसे कहेंगे, ये अगर बंधुता नहीं रखेंगे, इसका मतलब है कि जाति जातियों में बटे रहेंगे, क्योंकि वो जाति की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग क्यों कैटेगरी के लिए मेंशन करते हैं कि हम यहाँ पर जाति का अभ्यास नहीं करेंगे, तो इसका बेस बाबा साहब के उस 25 नवंबर 1949 के और 17 दिसंबर 1946 के व्याख्यान में इसका आधार या संदर्भ हमको मिलता है। वो इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम लोग विद पीपल नहीं बनेंगे, क्योंकि हम लोग बंधुता को पालन नहीं कर रहे, हम समता का आचरण नहीं कर रहे, ये आने के लिए विद पीपल पहले कहो एक दूसरे को, जबकि आपके बीच की धर्म की भावना निकल जाए और राष्ट्रीयता की भावना आ जाए, इसीलिए आप एक राष्ट्र निर्माण कर सकते हो। इसीलिए जाति का अभ्यास नहीं करना, लेकिन जाति का अभ्यास करना नहीं है, लेकिन अछूत लोग, जो पिछड़े लोग है सोशली इकोनॉमिक के लिए और कल्चर, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए फिर आरक्षण उनकी संख्या के प्रपात में होना चाहिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन की बात बाबा साहब ने कही और वो मंजूर भी करा ली। सिर्फ हर्डल ये हुआ कि ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब को साथ नहीं दिया। एक जयपाल मुंडा करके आदिवासी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो कि 1936 के हॉकी के कैप्टन थे, और उन्होंने हिटलर के सामने भारत को गोल्ड मेडल मिला दिया था। वो ध्यानचंद के साथ उसके 1936 के ओलंपिक्स के कैप्टन थे। उन्होंने और बाबा साहब ने एक और शब्द लाया था, एबोरिजिन। एबोरिजिन मतलब अभी हम जिसको मूल निवासी कहते हैं, इसको बाबा साहब मूल निवासी ना कहते हुए इस देश के मूल लोग, जो सबसे सर्वप्रथम इस देश में आए हैं और बाद में जो आर्य और अन्य लोग हैं वो बाद में आए, इसीलिए इन लोगों को अपने संख्या के हिसाब से, परसेंटेज से, मतलब प्रावधान होना चाहिए आरक्षण का। वो शैक्षणिक भी होना चाहिए, आर्थिक तौर पर भी होना चाहिए और पॉलिटिकल भी होना चाहिए। ये बात बाबा साहब ने लाई, लेकिन इसका ओबीसी लोगों ने विरोध करने की वजह से ओबीसी को आरक्षण उस वक्त वो नहीं दे सके। तो ऐसी बात जो है भारत के संविधान के बनाने से पहले बाबा साहब ने बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ी, और बाबा साहब कहते हैं कि ये जो विद पीपल जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का एडिफाइस है, मतलब बेस है, पाया है, और उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो इस देश के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत हक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति दर्शक तत्व जो है राज्य के, उसका लाभ होगा। लेकिन वो आगे चलकर कहते हैं कि इससे न्यू सोशल ऑर्डर बननी चाहिए, नई समाज व्यवस्था, नई समाज की रचना भारत के संविधान से हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि इसके लिए भारत के हर नागरिक को गहराई से विद पीपल को भारत के संविधान की रक्षा करनी होगी। अगर भारत के संविधान को, खासकर वो कहते हैं 1949 में कि जितने भी लोग भारत के संविधान का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाने वाले हैं, और जो लोग एससी एसटी और ओबीसी है, उन लोगों ने तो अपने गले से लगा लेना चाहिए इस संविधान। लेकिन हमने यही गलती की पिछले 70 साल में, ना तो हमने संविधान को अपने गले से लगाया, ना तो संविधान के प्रोविजन को हमने समझा, और ना तो हमको जो फ्री में बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट्स दिए थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दी थी और ह्यूमन राइट्स दिए थे, इक्वालिटी एक झटके में लाई थी, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14, ये अगर हम देखते हैं तो एक वाक्य में बाबा साहब ने इस देश के उस वक्त के करीब करीब 47 करोड़ लोगों को इक्वालिटी का अधिकार दे दिया था, और मनुस्मृति ने जो विभाजित किया था वो एक वर्ड में, विद इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा आर्टिकल 15, और संख्या के आधार पर एजुकेशनली, सोशली और कल्चरली जो भी बैकवर्ड है उनको प्रावधान रिजर्वेशन का, संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व के तौर पर, और आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी खत्म, आर्टिकल 18 से राजा हो या भिखारी हो एक ही लाइन में जाकर वोट करेगा, आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट्स जो मिल रहे थे हमारे, और आर्टिकल 23 तक ह्यूमन राइट्स के प्रोविजन मिले थे, और आर्टिकल 25 में रिलीजन की प्रैक्टिस करने के अधिकार भी हमको बाबा साहब ने सिर्फ एक या दो पन्ने में,
या प्रियम्बल के एक पन्ने में बाबा साहब ने 2500 साल की व्यवस्था को तहस नहस करके हमको भारत का संविधान दिया, वी द पीपल दिया। लेकिन हम लोग पिछले 70 साल में बाबा साहब की जो डोनेशन जो उन्होंने दी थी, जितना दान दिया, और ये किस बदले में दिया बाबा साहब ने? तो बाबा साहब ने ना अपनी फैमिली की फिक्र की, अपने 4 बच्चे गंवाए, अपनी प्यारी सी पत्नी को गंवाया, और उनके फैमिली के करीब 12 लोगों की मृत्यु बाबा साहब के सामने हुई थी। तो इतना सारा योगदान देने के बावजूद भी हम लोग पिछले 70 साल से भारत के संविधान को, हमारे लीडर को नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए हम लोग अपने आप को क्या कहे, ना समझ कहेंगे या बुद्धिवादी कहेंगे या जो भी कहेंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। और जो भी लोग अपने आप को आज दुरुस्त होकर ये कहेंगे कि नहीं, हम लोग बाबा साहब के वचन को हम धोखा नहीं दे सकते, इसीलिए बाबा साहब फिर कहते हैं कि SC ST और OBC लोगों ने कम से कम अपने हक और हुकूक के लिए इकट्ठा आना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इकट्ठा नहीं आएंगे तो मेरी मनोदेवता कहती है कि ये जो सवर्ण लोग है ये आपको गुमराह करेंगे, ये संविधान का गलत इस्तेमाल करेंगे, और आगे चलकर भारत की डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। ये बाबा साहब ने सभी को हमको आगाह किया था, हमको कोशिश किया था। इतना होने के बावजूद भी पिछले 70 साल में हमने कुछ नहीं किया, इसीलिए हमने 5 मई 1921 से गहराई से सोचना शुरू किया। और जितने साथियों को इसका बेस पता चला, भारत के संविधान का बेसिक फिलोसॉफी समझ में आई और उसका निचोड़ जो है, हमारा कर्तव्य क्या है। बाबा साहब कहते हैं कि जितने भी फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको है, उससे ज्यादा आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि आर्टिकल 51 में निहित है। तो बाबा साहब कहते हैं कि पहले जब संविधान को आपने बचाने की कोशिश जब भी करोगे तो आर्टिकल 51 को, और खासकर आर्टिकल 51A को पढ़ लेना, और जब आप पढ़ोगे तो आप अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाओगे, तब आप जाकर के भारत के संविधान को बचाने की कोशिश करोगे। और दूसरी चीज, बाबा साहब ने कल्चर रेवोल्यूशन के लिए भारत का संविधान के साथ साथ बुद्ध का दम्भ दिया। ना तो हमने भारत के संविधान को जितना तवज्जो या महत्व देना चाहिए था वो दिया, ना तो बाबा साहब ने जो बाहर दुनिया का सबसे बेस्ट रिलीजन, जिससे कि दुनिया को हम लोग कन्वर्ट कर सकते, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा दम्भ दिया, इसके बारे में भी हमने गहराई से नहीं सोचा। इसीलिए आज हमारे ऐसे दिन है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले 2 साल में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला। इसीलिए विद द पीपल के सारे समन संगी साथी है, हमारे महान समन संगियों की जो लेगेसी है, जो वारसा है, जो वो हम लोग गहराई से अभी गंभीरता से सोच रहे, हमने क्या करना चाहिए। इसीलिए हमने शपथ लेकर ये डिसाइड कर लिया है कि हम 10 कार्डिनल रूल्स 10 गोल्डन रूल का कड़ाई से पालन करेंगे। दूसरा करे या ना करे मुझे कोई लेन देन नहीं, लेकिन मैं गंभीरता से 10 गोल्डन रूल का पालन करूंगा। अगर मैं करता हूं तो मैं भारत के संविधान की किताब को सिर्फ किताब नहीं मानूंगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि आपकी भविष्य की गाथा लिखी है ये, और आपकी भविष्य की गाथा ही नहीं तो आने वाली जितनी भी जनरेशन है आपकी, उतनी जनरेशन का भविष्य इसमें नीत है। इसीलिए भारत के संविधान को हमको लीडर मानना है, और इस लीडर को हमको सुरक्षित रखना है। अगर सुरक्षित नहीं रखना है तो हम लोगों का भवितव्य, भविष्य बिल्कुल खतरे में है। इसके लिए कोई किसी को सोचने की जरूरत नहीं, वो तय है। इसीलिए हमको जुड़ना है, जोड़ना है, और लोगों को बताना है, लोगों को 10 बार बताना है। 10 बार सुनकर भी अगर नहीं सुनता है तो बताना है कि भैया, अगर नहीं सुनता है तो भविष्य में झांक कर देख ले, पिछले 70 साल में झांक कर देख ले कि तेरे कौन कौन से अधिकार थे और आज तेरे पास क्या बचा है तेरी झोली में। तो तेरी झोली अभी खाली हो गई है, तो झोली लेकर तू कोई परवरदिगार के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास इसका इलाज नहीं है। इलाज भारत के संविधान के पास है। तो इस लीडर को बचाने के लिए हमको जुड़ना है, जोड़ना है और जीतना है। यही हमारा मूल मंत्र है, यही मूल मंत्र हम लोग गहराई से, कड़ाई से, और सबसे पहला काम समझ के करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, संगम नमामि। बहुत बहुत साधुवाद, समझाया बहुत।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।